कोशिश भी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट लिखना मत भूलिए जिससे हमें पता चल सके हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 150 ग्राम पास्ता ले लिया है, तो ये मुलेठी पास्ता है। मार्केट में पास्ता कई तरह का आता है, पैनी पास्ता, पाइप पास्ता, तो अपने अपने जगह पे सभी पास्ता अच्छा है। ये पास्ता जो है एकदम ऐसे ऐठा ऐठा होता है। जब हम इसे मसाले या ग्रेवी में डालते हैं तो इसमें अच्छे से ग्रेवी अब्सॉर्ब करता है और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम इस पास्ता को बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमने गैस पे 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो इसमें नमक इसमें हम ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि जब अपने पास्ता उबलेगा तो अच्छे से पास्ता में नमक की पानी जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, यानी कि उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें हम अपनी ये पास्ता डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से उबालेंगे। तो करीबन हम इसे 4 से 5 मिनट तक तेल फ्लेम पे उबालेंगे। आप देख सकते हैं अपनी पास्ता अच्छे से उबल चुका है। एक पास्ता मैं आपको दिखा देती हूँ, तो कोई भी चम्मच से आप निकाल लीजिए और 1 चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस करके देखिए, ये चिकना है, बिछल जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ज्यादा गला भी नहीं है और ज्यादा कच्चा भी नहीं है, यानी कि 90% ही कुक हुआ है। बिल्कुल अलग अलग हमें दाना जैसे ये दिखना चाहिए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। तो हमने पास्ता को छान लिया है, अब हम इसे एक बड़ा सा प्लेट में फैला के रख देंगे। ऐसे हम थाली में फैला देंगे, इससे क्या होगा इसका स्टीम निकल जाएगा और अपना पास्ता ओवर कुक नहीं होगा। तो ध्यान रहे आप ठंडे पानी से इसे मत धोइएगा, क्योंकि जब हम इसमें ग्रेवी में डालेंगे तो इसका स्टार्च जो है वही एक बढ़िया सा थिकनेस देता है। तो यहाँ पे हमें पास्ता को धोना नहीं है, जस्ट प्लेट में फैला के इसका स्टीम निकलने देना है। चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस पे हमें एक बड़ा सा पैन या कढ़ाही ले लेना है और इसमें हमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालना है। तेल अपनी ओलिव ऑयल होना चाहिए या तो बटर होनी चाहिए, नहीं तो क्या है पास्ता में कड़वा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन, बड़ा चम्मच है, यानी कि 1 बड़ा चम्मच या 2 टेबल स्पून जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। लहसुन को हमें तेज फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भूनना है, हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है, जस्ट इसकी सुगंध निकल जाए उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो अपनी लहसुन भून चुकी है, यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा साइज प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। प्याज को भी हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, तेज फ्लेम पे हल्का सा इसका कच्चापन जाने तक भूनना है। आप देख सकते हैं अपना प्याज हल्का सा भुना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसे कि हम छील के बारीक बारीक काट लिए हैं, और साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। तो आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग डालिएगा, बच्चों के लिए है थोड़ा सा कम डालिए, बड़ों के लिए तो पास्ता चटपटा होना ही चाहिए क्योंकि ये देसी स्टाइल में जो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं तेज फ्लेम पे भूनने पे अपने प्याज लहसुन का कलर कितना मस्त दिख रहा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे गाजर जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। गाजर को भी हम आधा मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी गाजर भून चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 कटोरी पत्ता गोभी जिसे हमने एकदम बारीक बारीक काट रखा है। तो सारी सब्जियां हमें तेज फ्लेम पे ही भूनना है। अब हम इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, तो ये हमारा भोजन है, आप ताजा डाल रहे हैं तो उसे बॉयल करके डालिए। स्वीट कॉर्न को भी हम 1 मिनट तक सब्जियों के साथ भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, तो यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर तो एकदम छोटे छोटे
पीसेस में काट रखा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अपनी सब्जी फ्राई होती हुई तो टमाटर को हमें गलने तक पकाना है। इसी बीच हम डाल देंगे एक शिमला मिर्च, इसे हमने छोटे छोटे काट रखा है। अब हमने टमाटर शिमला मिर्च डाल ही दिया है तो हम सब्जियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। अब स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि हम पास्ता उबालने में भी नमक डाले हैं। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये देसी पास्ता है तो थोड़ा सा स्पाइसी होना बनता है। अब सब्जियों को हम अच्छे से पकाएंगे। आप चाहें तो कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं अपनी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। कढ़ाई में कितना तेल छोड़ने लगा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे पास्ता, जिसे हमने बॉयल करके थाली में फैला के रखा था। अब देख लीजिए एक एक पास्ता अपना अलग अलग दिख रहा है। ज़्यादा स्टीम करने पे क्या होता है कि एक दूसरे में चिपक जाता है, फिर तो उसमें नमक काला ऑब्जॉर्व करता है और ना ही खाने का टेस्ट आता है। अब हम पास्ता को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर। तो आप देख सकते हैं ये काली मिर्च डालना जरूरी होता है। और साथ में हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम डालेंगे एक चम्मच मिक्स हर्ब्स। ये इटालियन हर्ब्स आता है मार्केट में, जाके शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इससे पास्ता में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो हम सब्जियों के साथ सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अरे वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी देसी पास्ता लग रहा है और बिल्कुल सूख नहीं रहा है। ये खासियत देखिए आप उबालने की। हमने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है पास्ता के साथ। अब फाइनल इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे बटर। बटर के बिना तो पास्ता में जान ही नहीं आती है। तो यहाँ पे आप भरपूर मात्रा में बटर डालिए। बटर को डाल के आप ढक के कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि बटर को अच्छे से मेल्ट होने देना है हमें। चलिए हम अपना पास्ता चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी बटर मेल्ट हो चुकी है। अब बस हमें इसे मिक्स कर देना है। तो ये रही अपनी देसी स्टाइल मजेदार पास्ता। हमने बटर को मिक्स कर लिया, फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। अब फटाफट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया देसी स्टाइल में पास्ता बनाना कितना आसान है और देखने में लगी खुशबू का क्या कहना। आप बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।